हाँ जी दोस्तों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज की वीडियो में मैं पशुपालक भाइयों के साथ कुछ और मुर्रा के नगीने शेयर करूंगा, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर मुर्रा के इतने सीमेन बैंक हैं जिसका कहूँगा कि सभी पशुपालक भाइयों को पता नहीं है। उनके पास जो भी सीमेन आ जाते हैं उन्हें ये तो पता होता है कि मुर्रा का है, लेकिन उनकी डिटेल क्या है, उनका मिल्क रिकॉर्ड क्या है, कहाँ का वो बुल है, दिखने में कैसा है, तो ये सभी चीज़ें सभी पशुपालक भाइयों को पता नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको BAIF के जो बुल हैं, जो मुर्रा बुल हैं, उनके कुछ अच्छे बुल जिनके हाई मिल्क रिकॉर्ड है, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और उनका पूरा रिकॉर्ड भी जानेंगे। तो सभी पशुपालक भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, कंप्लीट देखें, ताकि आपको पूरी डिटेल मिल जाए। और अगर आपका कोई जानकार पशुपालक ने भी उसका सीमन यूज़ किया है तो आप उसके साथ भी उस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और साथ के साथ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, जहाँ पर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी नॉलेजेबल पोस्ट करता रहता हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपको सुसात नाम का बुल दिखाई दे रहा है। तो ये बुल का आप देख सकते हैं, बुल का बॉडी स्ट्रक्चर पहले मैं बता दूं कि कम ही कुछ सीमन बैंक ऐसे हैं जहाँ पर बुल आपको जो हैवी मिलेंगे, क्योंकि सीमन बैंकों में बुल को एक प्रॉपर तरीके से डाइट पर रखा जाता है, जिससे उनको ज़्यादा चर्बी नहीं होती है। और ज़्यादा चर्बी अगर हो जाएगी तो बुल की जो है सीमन की मोर्टैलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए बुल आपको जो है थोड़ा सा वीक लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बुल का जो रिकॉर्ड है, नाम है सुसात, और इसकी जो यूनिक आईडी है 1615 79 61 01, डेट ऑफ बर्थ है 1/12/2015, और जो इसका डैम्स नंबर की जो आईडी है 1617 00 46 75, और मदर साइड से जो इसका मिल्क रिकॉर्ड है 4868 किलोग्राम, यानी कि तकरीबन 24+ की एवरेज का बुल बनता है। और फैट परसेंटेज जो इसकी मदर के दूध में 8.16%, और इसका सायर है SP7। और इन हाफ आईडी से आप किसको सर्च करते हैं कर सकेंगे गूगल पर, BAIF-SUSAT के नाम से। तो ये बुल है जो मैं आपको कहूँगा कि अगर किसी पशुपालक भाई के एरिया में इसका सीमन आया है तो अच्छी ब्लड लाइन का बुल है। और आज की वीडियो में जो हम बुल जानेंगे वो तकरीबन जो है 22 से और जो है 25-26 तक के मिल्किंग एवरेज के बुल आपको देखने को इस वीडियो में मिलेंगे। तो अब आप जो दूसरा बुल देख रहे हैं सनराज, इस बुल का नाम है सनराज, और जो इसकी जो यूनिक आईडी है वो है 1615 79 61 और 12, यानी कि 12। डेट ऑफ बर्थ है 17/8/2016। बोलिए, भी अच्छा है, बिल्कुल फिट मैं कहूँगा कि बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कसा हुआ शरीर आपको दिखाई दे रहा है, और इसका डैम्स नंबर भी आप पढ़ सकते हैं, और जो इसकी मदर साइड से इसका मिल्क रिकॉर्ड है 4518। तो फैट परसेंटेज जो ये आप देख सकते हैं 9.08, क्योंकि जितना ज़्यादा दूध होगा पशु के नीचे उतनी फैट कम हो जाएगी, वसा की मात्रा दूध में उतनी कम होगी, और जितना दूध कम होगा वसा की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी। तो ये देख सकते हैं फैट परसेंट 9.08, और जो इसका सायर है एम सीरीज का है M155, जो कि HLDB का बुल है, और जो इसको आप सर्च कर सकते हैं BAIF सनराज के नाम से। तो अब जो नेक्स्ट बुल हम देख रहे हैं ये है सूर्योदय। तो इसका जो मैं अगर बात करूँ यूनिक आईडी, आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ है इसकी कि 23/2/2016, और जो डैम्स नंबर आप पढ़ सकते हैं, और मदर साइड से जो इसका मिल्क रिकॉर्ड है एक ब्यात का 4724 किलोग्राम, जो कि 23.5-24+ की एवरेज इसकी मदर साइड से पढ़ती है, लेकिन फैट परसेंटेज इसमें दिया नहीं है, और सायर है इसका F2, और गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं BAIF सूर्योदय के नाम से। और एक और बुल अब हम देख रहे हैं स्वाभाविक, स्वाभाविक नाम का बुल है। तो इस बुल का सींग का साइज थोड़ा खुला, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर के मामले में एक कसा हुआ घोड़े जैसा शरीर आपको दिखाई दे रहा है, और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 24/3/2016, डैम्स नंबर आप पढ़ सकते हैं, और मदर साइड से मिल्क रिकॉर्ड 4815, यानी कि 24+ की एवरेज का बुल आप देख रहे हैं। तो अगर किसी ने स्वाभाविक नाम के बुल का सीमन यूज किया, जो कि BAIF का बुल है, तो रिकॉर्ड आपके सामने फैट परसेंटेज है 8.21,
और शायर है इसका D2 और इन हाफ आईडी वही BAF- स्वाभाविक के नाम से गूगल पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट बुल हम देख रहे हैं जो कि जिसका नाम है सवर। ये बुल आपको जो है बिल्कुल ही मैं कहूँगा एक ऐसा लग रहा होगा जैसे कि आम बुल है, लेकिन इसकी जो मैं कहूँगा मिल्किंग एवरेज है और जो कहेंगे कि जो इसमें जो फैट परसेंटेज है बहुत ही अच्छी है। तो इसके पहले पैरामीटर्स जान लेते हैं। UID यूनिक आईडी आप इसकी सर्च कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 17/4/2016। 6 साल का ही बुल हुआ है। ब्रीडिंग मुर्रा। डैम्स नंबर आप इसका पढ़ सकते हैं। और मदर साइड से मिल्क रिकॉर्ड की हम बात करें तो 4871.5 किलोग्राम एक ब्यात का दूध बनता है 24+ की एवरेज का। और फैट है 8.83 और इसका सायर है J5 और बैप सवर नाम से जो आप इसको जो है सर्च गूगल पर कर सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों बैप है के जो है और भी बहुत सारे बुल हैं। तो आज ये जो कुछ बुल थे इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किए हैं क्योंकि जिन एरिया में इनका सीमन आता है पशुपालक भाइयों को पता नहीं होता है कि हमने जिस बुल का सीमन यूज़ किया दिखने में कैसा है, बुल कैसा है और उसका जो है मिल्किंग एवरेज उसकी कितनी है। तो ये जो बुल उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो सभी पशुपालक भाइयों से रिक्वेस्ट है वीडियो को जो है और भी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि जो है आपके शेयर करने से जहाँ भी इसका सीमन यूज़ हुआ उनको पूरी जो है बारीकी से डिटेल मिल जाए। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो ये रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि सब्सक्राइब कर लें आप चैनल को ताकि आगे भी आपको डेयरी फार्म से संबंधित और कोई भी जानकारी वो आपको मिलती रहे। Facebook पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी फॉलो करें। Instagram पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।